तो दोस्तों आप यहाँ पे बस से भी आ सकते हैं, जूते चप्पल बैग हेलमेट यहाँ जमा करें। यहाँ पे सबसे पहले आपको देखेगा चरण चिन्ह, पचास का छोटा वाला ये 250 ग्राम। देख सकते हैं समुद्र मंथन का एक यहाँ पे दृश्य बनाया हुआ है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को लेकर आ गया हूँ खाटू श्याम दिल्ली धाम में, और इस वीडियो में मैं आप लोगों को खाटू श्याम दिल्ली धाम से रिलेटेड सारी जानकारियाँ देने वाला हूँ। जैसे यहाँ का लोकेशन क्या रहेगा, टाइमिंग क्या रहेगा, आरती टाइमिंग क्या रहेगा, आप यहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं, कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो के अंत तक बने रहे, और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों खाटू श्याम मंदिर के लोकेशन के बारे में बात करें तो अलीपुर दिल्ली में पड़ेगा। बाकी ये जो रोड आप देख रहे हो खाटू श्याम मंदिर के जस्ट सामने है, और ये GT करनाल रोड है। इस साइड दिल्ली होगा और इस साइड करनाल होगा। तो करनाल की तरफ से अगर आप आते हैं फिर तो आप यहीं पे डायरेक्ट उतर सकते हैं, और अगर आप दिल्ली से आते हैं तो आपको रोड के उस तरफ उतारा जाएगा। इस मंदिर तक पहुंचने के लिए सबसे नजदीकी मेट्रो स्टेशन होगा जहांगीरपुरी का। जहांगीरपुरी मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 2 से आपको एग्जिट करना है। एग्जिट करते ही आपको बहुत सारे ऑटो दिख जाएंगे, फिर आपको ऑटो लेके बाईपास तक आ जाना है। फिर बाईपास से मंदिर तक के लिए आपको मैजिक मिल जाएगा। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे मैजिक से आए हैं, और मैजिक वाले ने हमें यहाँ पे उतार दिया है। और सामने रहा मंदिर, वो सामने आप देख सकते हैं मंदिर बनाया हुआ है। और अगर आप बस से आते हैं तो बस यहाँ पे रुकती नहीं है, आप ऑटो से आए या फिर मैजिक से आए तो मैजिक वाला आपको यहाँ पे उतार देगा, फिर आप रोड क्रॉस करके मंदिर तक जा सकते हैं। अगर आप दिल्ली की साइड से आ रहे हैं तो आप बस से भी यहाँ तक आ सकते हैं। तो सबसे पहले आपको बॉर्डर तक जाना पड़ेगा, फिर बॉर्डर से दिल्ली की तरफ आने वाले ये कुछ बस नंबर्स रहेंगे, इन पे बैठ के आप इजीली यहाँ तक पहुँच पाएंगे। और ये रहेगा मेन एंट्रेंस, सामने पार्किंग एरिया बनाया हुआ है। जूते चप्पल भी आप यहाँ पे जमा कर सकते हैं, जूते चप्पल बैग जमा करने का काउंटर बनाया हुआ है। कल्पना से परे विश्व में पहली बार बाबा की कृपा से अखंड भागवत 24 घंटे 7 दिन 12 महीने 365 दिन अनंत काल तक खाटू श्याम दिल्ली धाम। तो दोस्तों यहाँ पे ना 36 धाम 36 घाट भी बन रहे हैं, तो कुछ दिन में वो भी कंप्लीट हो जाएगा। बाकी अंदर आप एरोप्लेन रेस्टोरेंट देख पाएंगे, एक ट्रेन रेस्टोरेंट देख पाएंगे, सारी जानकारी देंगे। अंदर एक गुरुकुल भी बनाया हुआ है, तो हर एक जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को देने वाला हूँ। तो वीडियो के अंत तक बने रहे, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों इसी काउंटर से ना हमें इस तरह का एक थैला मिला है, जितने भी लोग हैं आप उतने लोगों की यहाँ पे जूते चप्पल इसके अंदर डाल के यहाँ पे जमा कर दे, आपको एक टोकन मिल जाएगा, एक टोकन इसमें चिपका के आपको टोकन दे दिया जाएगा। तो दोस्तों बैग जमा करने के बाद एक पर्ची मिला है हमें, पर्ची लेने के बाद अब हम लोग अंदर जा रहे हैं। और ये हम लोग आ गए हैं अंदर, इतना सुंदर बनाया हुआ है, देख सकते हैं कितना सुंदर बनाया हुआ है। किरिंगस यहाँ से मात्र 0 किलोमीटर है। इसमें पेड़ा होगा, ओके ओके, इसमें क्या होगा, इसमें पेड़ा, ये क्या है, पंचमेवा है, और ये चूरमा है। ये कितने का होगा पैकेट, ये भी 50 रुपए, ये 220 का होगा, ओके ओके। तो दोस्तों यहाँ के टाइमिंग के बारे में बात करें ना, तो ये मंदिर सुबह 5:30 बजे खुल जाता है और रात के 9 बजे तक खुला रहता है। मेन गेट से थोड़ा सा ही आगे आएंगे, पहले आपको यहाँ पे दिखेगा चरण चिन्ह। तो इस तरह से यहाँ पे चरण चिन्ह आपको देखने को मिलेगा खाटू बाबा के। और यहाँ पे चरण चिन्ह के बारे में लिखा हुआ है कि ये 2021 किलो के अष्ट धातु से निर्मित है, ये 2021 किलो का अष्ट धातु से निर्मित है। और बाकी इस तरह का ये चरण चिन्ह रहेगा। पिछली बार जब मैं आया था ना यहाँ पे, काफ़ी कुछ अब चेंजेस देखने को मिल रहा है, फैंस वगैरह लगा दिए गए, देख सकते हैं। बारिश भी अगर यहाँ पर होता है तो भी आप यहाँ पर दर्शन करने आ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर आपको नहीं होने वाला है। इस तरह से एक ब्रिज भी बनाया गया है बीच में, इस तरफ देख सकते हैं प्रसाद की दुकान है, फूल की दुकान है, आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। बच्चों के लिए खिलौने होंगे, काफी कुछ आप यहाँ पे खरीद पाएंगे। मूर्तियाँ खरीद सकते हैं, खाटू बाबा की मूर्तियाँ भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उससे आगे जाएंगे तो आपको प्रसाद की दुकानें मिल जाएगा, जहाँ पे आप कुछ खरीद के खाना है तो आप खा भी सकते हैं। आगे चलते हैं, निशान के लिए ये वाला यहाँ एरिया रहेगा, यहाँ से आप निशान लेके आगे जा सकते हैं। दोस्तों यहाँ से आप प्रसाद खरीद सकते हैं, गुलाब के फूल खरीद सकते हैं, और मोर के पंख खरीद सकते हैं। कितने कितने रुपए के होंगे ये, 50-100-200 रुपए के। तो यहाँ पे आगे भी कई सारे यहाँ पे दुकानें आपको देखने को मिल जाएगा, प्रसाद भी आप यहाँ पे खरीद सकते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं बहुत लंबी लाइन है, और
लाइन से अगर हम जाते हैं तो 2 से 3 घंटे लग जाएगा हमें मंदिर तक पहुँचने में। तो दोस्तों यहाँ पे ना हम लोग कचौड़ी खा रहे हैं और ये भैया कचौड़ी लगा रहे हैं हमारे लिए, और यहाँ पे कचौड़ी के चार्जेस लिखे हुए हैं, कचौड़ी 4 पीस 30 रुपए का, 30 रुपए की हम चार कचौड़ी यहाँ पे ला रहे हैं। आ गया हमारा कचौड़ी, इसको टेस्ट करते हैं, बताते हैं आपको कैसा स्वाद है। टेस्टी है, मजेदार है। यहाँ का कचौड़ी बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे खाटू श्याम बाबा का भोग लगा हुआ प्रसाद 50 रुपए प्रति डिब्बा यहाँ से प्राप्त करें, तो भोग लगा हुआ प्रसाद आप यहाँ पे खरीद सकते हैं, 50 रुपए पड़ेगा। तो इस तरह के इलेक्ट्रिक यहाँ पे रिक्शा भी चल रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, अगर कोई चल नहीं पा रहा है तो इस तरह की इलेक्ट्रिक रिक्शा में बैठ के वो अंदर जा सकता है। बाकी अंदर ना अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, बहुत बड़ा ये मंदिर है, यहाँ पे 36 धाम बनाए जा रहे हैं, तो कभी काम चलता हुआ आपको दिखेगा हर जगह पे। तो कुछ दिन में आप आएंगे तो यहाँ पे 36 धाम 36 घाट आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इस तरफ अपना एक सत्संग परिसर भी बनाया हुआ है। दोस्तों सामने होगा खाटू बाबा के धाम, और इस तरफ ना बहुत बड़ा फूड कोर्ट एरिया बनाया गया है, बहुत बड़ा फूड कोर्ट एरिया यहाँ पे बनाया गया है जहाँ आप काफी कुछ खा पी सकते हैं। गोलगप्पे होगा, छोले भटूरे होगा, तो ये रहेगा मेनू। यहाँ पर ताऊजी कैटर्स, ये तो मेलों में लगते हैं ना, देखो इस तरह के चार्जेस वगैरह यहाँ पे रहने वाले हैं। तो कुछ खा सकते हैं यहाँ से, ये आपको गुलाब जामुन मिल जाएगा, 2 गुलाब जामुन 40 का मिल जाएगा, रसगुल्ले 50 का होगा, टिक्की छोले 30 रुपए और 50 रुपए का रहेगा। बाकी और भी थाली वगैरह भी आप ले सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी कुछ है यहाँ पे। तो ये रहेगा यहाँ का मेनू, तो ये पूरा सिटिंग एरिया यहाँ पे रहने वाला है, काफ़ी बड़ा सिटिंग एरिया यहाँ पे बनाया गया है और बहुत ज़्यादा बड़ा फूड कोर्ट है यहाँ पे। तो मंदिर प्रांगण में हम लोग आ चुके हैं, हमने आप देख लेते हैं खाटू बाबा का यहाँ पे मंदिर बनाया हुआ है, और रास्ते में आपको इस तरह के कई सारे सेल्फी पॉइंट्स वगैरह देखने को मिलेंगे। और इस तरफ ना बहुत बड़ा एक घंटी लगाया हुआ है, वो भी आपको दिखाते हैं। लाइन आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा लंबी लाइन है यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा लंबी यहाँ पे लाइन लगी हुई है। इसके साथ उसे निर्मित 800 किलो का हिंदुस्तान का पहला घंटा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये 800 किलो का घंटा होगा, अष्टधातु से निर्मित है। काफी भारी है, बजाने के लिए ताकत चाहिए होगा, इसको ताकत लगानी पड़ती है। तो देख सकते हैं जो झंडे वगैरह आप वहां से लेकर आएंगे ना, वो यहाँ पे जमा हो जाएगा। जय श्री श्याम, हारे का सहारा बाबा खाटू श्याम हमारा। यहाँ पे तो ट्रैक बनाया हुआ है, और नारियल वगैरह लोग मन्नत यहाँ पे नारियल वगैरह बांध के यहाँ पे मन्नत मांगते हैं, और झंडे अगर लेके आते तो झंडे भी यहाँ पे जमा हो जाते हैं। यहाँ पे कुछ ऋषि मुनियों को बनाया हुआ है, इसीलिए कहते हैं राधे राधे बोल श्याम हरे, राधे राधे बोल श्याम।
ये साइड में गणेश जी का मंदिर होगा, मेन मंदिर खाटू श्याम जी का होगा, अब खाटू श्याम जी का होगा और साइड वाला बजरंग बली का मंदिर होगा। तो पालकी भी बनाया हुआ है, तो आप यहाँ पे पालकी में भी झूल सकते हैं, अंदर भी देख सकते हैं, दो तीन पालकी अंदर भी लगाया हुआ है, तो आप यहाँ पे भी जाके पालकी में झूल सकते हैं। अंदर आपको यहाँ पे पीने के लिए शीतल जल मिल जाएगा, और इस तरफ आ जाएंगे तो आप यहाँ पे सिग्नेचर ब्रिज देख पाएंगे, यहाँ पे बड़ा सा सिग्नेचर ब्रिज बनाया हुआ है, तो आप भी यहाँ पे आके सिग्नेचर ब्रिज के साथ यहाँ पे फोटोग्राफी कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं समुद्र मंथन का एक दृश्य आप यहाँ पे देख पाएंगे, ये काफी ज्यादा सुंदर लग रहा है, सिग्नेचर ब्रिज के पास लोग डांस करते हुए। यहाँ पे ना एक राइड एरिया बनाया गया बच्चों के लिए, देख सकते हैं कई सारे राइड बच्चे कर सकते हैं, 360 वीडियो शूट कर सकते हैं। श्री श्याम फ्लावर, यहाँ पे दो दुकानें आपको दिख जाएगा, एक खरीदने के लिए और एक खाने पीने के लिए, और आप यहाँ पे क्या खा पी सकते हैं वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं खाटू श्याम दिल्ली धाम, यहाँ पे बाबा जी का यहाँ पे एक प्रतिमा लगाया हुआ है, तो लोग यहाँ पे फोटोग्राफी कर रहे हैं। यहाँ पे आप 360 वीडियो भी बनवा सकते हैं। दोस्तों अगर आप घर बनाना चाहते हैं तो घर के लिए यहाँ पे अर्जी दे सकते हैं, देख सकते हैं बहुत लोग यहाँ पे आते हैं और इस तरह की अर्जी देते हैं, कौन किस तरह का घर बनाना चाहता है वो इस तरह से ईंट से बना के जाता है, तो आपको एक से एक यहाँ पे घर देखने को मिलेगा, 3 मंजिला, 8 मंजिला, 10 मंजिला। तो पहले ना बच्चों के लिए यहाँ पे कार राइड बाइक राइड नहीं हुआ करता था, अब देख सकते हैं बच्चों के लिए यहाँ पे बाइक राइड कार राइड के लिए एक एरिया बनाया गया है, ये देख सकते हैं यहाँ पे बच्चे कार राइड कर रहे हैं, बाइक राइड कर रहे हैं। की बात करें तो इसका टिकट 50 रुपए रहेगा, 20 रुपए। दोस्तों आप यहाँ पे कैमल राइड भी कर सकते हैं, 30 रुपए एक बंदे का यहाँ पे कैमल राइड का चार्ज रहेगा, देख सकते हैं काफी बड़ा कैमल है, और 30 रुपए एक बंदे के हिसाब से यहाँ पे कैमल राइड आप कर सकते हैं। इधर 36 धाम बनाए जा रहे हैं, तो 36 धाम कुछ इस तरह का होने वाला है। तो दोस्तों उधर से हम लोग आ रहे हैं और इधर से यहाँ पे 36 धाम 36 घाट बनाए जा रहे हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं माता रानी के दर्शन आप यहाँ पे कर पाएंगे, कुछ ही दिन पहले यहाँ पे माता रानी का यहाँ पे प्रतिमा स्थापित किया गया है। यहाँ पे और भी बहुत सारे भगवान जी के, जैसे सरस्वती माता का यहाँ पे प्रतिमा होगा, बजरंगबली का होगा, गणेश जी का होगा, दुर्गा माता का होगा, इधर सरस्वती माता का होगा, लक्ष्मी माता का होगा, काली माता का होगा, यहाँ पे राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी और हनुमान जी के दर्शन आप कर पाएंगे, और इधर आप देख सकते हैं गणेश जी का यहाँ पे प्रतिमा बनाया हुआ है, इधर दुर्गा माता का प्रतिमा बनाया हुआ है, यहाँ पे बहुत बड़ा एक दुर्गा माता का प्रतिमा भी आप देख पाएंगे, ऊपर भी बहुत सारे भगवानों की प्रतिमा आप देख पाएंगे, ब्रह्मा जी देख सकते हैं, इधर शिव जी होंगे और विष्णु जी होंगे, इधर यहाँ पे 24 घंटे 365 दिन भागवत गीता का पाठ चलता है। तो दोस्तों यहाँ पे भगवान गौतम बुद्ध जी का भी प्रतिमा बनाया हुआ है, तो इनके भी दर्शन आप यहाँ पे कर पाएंगे, काफ़ी बड़ा प्रतिमा बनाया हुआ है, और ये जो 36 धाम 36 घाट बनाए जा रहे हैं उसी एरिया में ये इनका आप प्रतिमा देख पाएंगे, खाटू श्याम दिल्ली धाम, 36 धाम 36, 8वां अजूबा बनाया जा रहा है, एरोप्लेन रेस्टोरेंट बन रहा है, पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था, अभी भी ये ओपन नहीं हुआ है, तो कुछ दिन के अंदर आप एरोप्लेन रेस्टोरेंट के अंदर जाके भी यहाँ पे खाना खा पाएंगे, और यहाँ पे कई सारे राइड्स भी स्टार्ट होने वाले हैं, देख सकते हैं बच्चों के लिए इस तरह का एक ट्रेन टॉय ट्रेन राइड स्टार्ट होने जा रहा है, उसके बाद यहाँ पे वी वाला राइड स्टार्ट होगा। तो दोस्तों इस तरफ आप देख सकते हैं रेलवे जंक्शन रेस्टोरेंट, तो यहाँ पे रेलवे जंक्शन करके यहाँ पे रेस्टोरेंट बनाए जा रहे हैं, कुछ ही दिन में ये भी स्टार्ट हो जाएगा, काफ़ी बड़ा यहाँ पे एक रेलवे का बोगी लगाया जा रहा है,
देख सकते हैं काफी बड़ा बोगी है। तो आप कुछ दिन के अंदर ही आप इसके अंदर जाके भी काफी कुछ खा पी सकते हैं। तो यहाँ पे ना एक वैदिक गुरुकुल भी बनाया हुआ है, काफी सारे बच्चे यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। एक एक रूम के अंदर दो बच्चे रह सकते हैं और इनके खेलने के लिए हर एक चीज की व्यवस्था अंदर की गई है और काफी बड़ा ये गुरुकुल है। करीब 50 से 60 बच्चे यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। बहुत ही बड़ा शिव स्थापित हो चुका है, ये मंदिर बन रहा है और बहुत ही बड़ा मंदिर ये बन रहा है। इस धाम में से एक धाम यहाँ पे आप देख पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे और एक फूड कोर्ट बनाया गया है, उस फूड कोर्ट में आ गए हम लोग और यहाँ पे देख सकते हैं बहुत बड़ा फूड कोर्ट है ये। तो यहाँ पे भी आप काफी कुछ खा पी सकते हैं, लोग नीचे बैठ के खा रहे हैं। काफी बड़ा फूड कोर्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इस तरफ भी देख सकते हैं, इस तरफ भोजन थाली ₹80। तो दोस्तों ₹80 में आप यहाँ पे भोजन कर पाएंगे। तरुण भाई ये क्या बनाया हुआ है? ये देखो जैसे 84 लाख योनियों के बाद हमें मानव की योनि मिलती है, तो वो यहाँ पर दिखाया, यहाँ पर दीप जल रहे हैं जो कि हमेशा जलाए रखते हैं यहाँ पर। तो 84 दीप है यहाँ पर, ये उसी चीज को दर्शाया गया है कि 84 लाख योनि के बाद मानव की जो अनमोल ये एक योनि है वो हमें मिलती है, वही चीज यहाँ दर्शाई गई है। वहाँ पढ़ भी सकते, यही चीज लिखी है। अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ भी है, तो आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हुआ है 84 लाख योनि में मनुष्य योनि का परम सुख प्राप्त करने के नियमित 80 आलो में दीप प्रज्वलित करें। ये देख सकते हैं यहाँ पे 84 दीप जलता हुआ आपको दिख रहा होगा। और थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आपको ना यहाँ पे गौशाला दिख जाएगा। चलिए आपको गौशाला दिखाते हैं। इधर सबसे पहले मैं आप लोगों को गौशाला दिखाता हूँ। 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद ले। यहाँ पे गीर गौ माता आप देख पाएंगे। ये लोग परिक्रमा कर रहे हैं, तो देख सकते हैं लोग परिक्रमा कर रहे हैं। ये गीर गाय है, हमारे देश का गीर गाय, तो हम लोग परिक्रमा भी लगा ले रहे हैं। अंत में मैं आप लोगों को दर्शन करा रहा हूँ गोवर्धन पर्वत के। ये आप देख सकते हैं भगवान जी काणे वाले उंगली से गोवर्धन पर्वत उठाया हुआ है। ये मंदिर कितना सुंदर बनाया गया आप सोच सकते हैं। हम इतने देर से घूम रहे हैं, मतलब दिल खुश हो गया, कितना कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। सारे भगवान के दर्शन आप यहाँ पे आगे कर सकते हैं। ये देखते कितना सुंदर ये दृश्य बनाया हुआ है, बिल्कुल रियल सा लग रहा है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, अद्भुत। तो दोस्तों ये जो गोवर्धन पर्वत है ना, इसी के जस्ट बगल से आप देख सकते हैं शौचालय के लिए रोड गया हुआ है। ये मंदिर प्रांगण के बाहर का हिस्सा मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। यहाँ पे खिलौने वगैरह काफ़ी कुछ आप खरीद पाएंगे। खाटू बाबा की यहाँ पे प्रतिमा वगैरह आप खरीद पाएंगे, लाइट खरीद पाएंगे। दो मिनट खड़ा था, बस मेरा भाई होगा था। पूरा एक मेला जैसा माहौल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो मेले में आप नहीं देखते बिल्कुल वैसा यहाँ पे माहौल बन चुका है। ये देख सकते हैं काफ़ी कुछ आप यहाँ पे खरीद पाएंगे। यहाँ पे जूता वगैरह रखने के लिए जगह बनाया हुआ है, फिर भी लोग ऐसे ही बाहर रखे जा रहे हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट सेक्शन में जय बाबा खाटू श्याम जरूर लिखें। तो चलिए मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। खड़ा